ऐसे मंदिर में जाने वाले हैं जहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ था। फिर जब संकल्प हो गया है तब भगवान नारायण ने यहीं पर अपना विराट रूप बताया कि मैं तो ये हूँ। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब एक होता है ना कि मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज अपना केदारनाथ ट्रिप 2022 का चल रहा है डे 4। जी दोस्तों, आज है डे 4। अगर आप डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। कल रात में बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक देखने को मिला है, जैसा कि आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं, और हेवी ट्रैफिक के वजह से ही आज हम लोग यहाँ स्टे कर गए हैं। हम लोग सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले जो है वो स्टे कर गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक हो गया था और रात में बारिश भी हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था और ऊपर में तो स्नो भी गिरा है। मेरे बैकग्राउंड का व्यू देखना है, ये देखिए मेरे बैकग्राउंड का व्यू देख रहे हैं, ये हमारे बैकग्राउंड का व्यू है और ये पीछे में इस साइड में स्नो भी हुआ था तो यहाँ हल्का हल्का बारिश होने लगा था, इस वजह से हम लोग होटल में स्टे कर गए थे। तो आज का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि मेरा कुछ फ्रेंड लोग हैं 3-4 जो गाड़ी से आ रहे हैं, वो लोग अभी पीछे ही हैं, लैंडस्लाइड भी हुआ है उसकी वजह से थोड़ा रोड जो है वो काफ़ी जाम चल रहा है, काफ़ी इशू है रोड में, तो वो उसको आने में भी टाइम लगने वाला है। तो हम लोग फिलहाल अभी सोनप्रयाग में है, तो सोनप्रयाग में एक नए जगह पे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मंदिर में जाने वाले हैं जहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ था। उत्तराखंड का जो हवा और पानी है ये तो ऑप्टिमम है और यहीं का हम लोग लोकल पानी जो है, जो झरने का पानी है, वो पी रहे हैं और आपको लिटरली बता सकते हैं कि बिस्लेरी फेल है। होटल का एक बंदा है जो हमारे साथ में चलेगा, विनीत भाई रेडी हो रहे हैं, प्रशांत रेडी हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और मिलते हैं बाइक पर। तो फाइनली अभी हम लोग का बाइक यहीं लगा हुआ है, पूरा डस्ट से भर गया है, इसको साफ़ करेंगे अभी। और हम लोग रुके हैं होटल राजा बाबू पे और ये वो लोकेशन है। रात में यहाँ इतना हेवी ट्रैफिक था कि हम लोग यहीं रुक गए थे। सो हम लोग का बाइक हो गया है रेडी, बाइक रेडी है, यहाँ हिमालयन भी रेडी है, विनीत भी रेडी है, प्रशांत भी रेडी है और यहाँ होटल में एक लड़का है वो भी साथ में चलेगा घूमने, बोला कि हम भी चलेंगे भैया घूमने, तो चलते हैं उसके साथ घूमने। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, जी हाँ दोस्तों, वहीं जा रहे हैं हम लोग। जाता है लेके जाना। अच्छा 50 रुपए की इसमें क्या क्या रहता है? ये फूल है, माला है, ये सब चीज चढ़ाया हमारा होता है प्रसाद के रूप में। हम लोग कुछ लेके भी जाएंगे यहाँ से ये हाँ? माला आपको मिलेगी, ये श्रृंगार आपको मिलेगा और मुख्य प्रसादी यहाँ की धुनी की भस्मी होती है, जो भस्मी यहाँ की मुख्य प्रसादी है। अच्छा। जैसे घर में बच्चों को किसी का नजर लग जाता है, कोई घर में छल कपट होता है, उसका तिलक लगा लो बच्चों को और थोड़ा मुँह में डाल लो, उसमें किसी का तंत्र मन नहीं चलता है। हाँ। ये हमारी हंसी खुशी की बात चल रही है। अच्छा सुनिए, ये स्थान है त्रिगी नारायण। त्रिगी नारायण, त्रिगी नारायण का मतलब है कि यहाँ पर तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु हैं। हाँ। जिन्होंने राजा बलि को छला था। हाँ। वो छला था कि राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका था, 100 यज्ञ पूरा करता तो वो इंद्रासन को जीत लेता, तो सभी देवताओं में खलबली मच गई कि अगर राजा बलि इंद्रासन जीतेगा तो सबकी दुर्दशा हो जाएगी। तो भगवान नारायण के पास सब देवता पहुँचे, भगवान ने कहा कि तुम अपने स्थान बैठे रहो, राजा बलि तो बड़े दानी हैं, मैं भी जाके उनसे कुछ दान ले लूंगा। अच्छा। तब भगवान नारायण ने यहीं पर माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, अब 52 रूप धारण किया और ब्राह्मण का वेश बनाया
तब भगवान जो नारायण जो है राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि से बोले, महाराज मैंने सुना कि आप बड़े दानी हैं, मुझे भी कुछ दान दीजिए। राजा बलि ने सोचा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण अन्न मांगेगा, धन मांगेगा, चांदी सोना मांगेगा। क्या बता रहे थे भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तीन पटपटी चाहिए। राजा बलि बोला, महाराज तीन पटपटी कहीं पर भी दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा जो अगर देना है तो मुझे It's never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and you're concerning. यहाँ पे शूज उतारना है, तो बेसिकली ये है मंदिर जहाँ पे माँ पार्वती और महादेव का शादी हुआ है। और अभी हम लोग को पंडित जी जो है बहुत सारे डिटेल बताने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हाथ पैर धोले कितना होता है, कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। भगवान ने कहा मुझे देना है तो संकल्प करके दीजिए। तो राजा बलि ने नहीं सोचा कि ये कौन है, जब संकल्प करने लगे तो गले में छोटी होती है। तो राजा बलि के गुरु बैठे क्यों बैठे, जिसे हाथ में जलना पड़े संकल्प अधूरा रह गया। भगवान ने एक सिक्का निकाला, वो टोटी में ठोक दिया। टोटी में ढोके वहाँ शुक्र महाराज की आँख निकल गई। शुक्र महाराज जी जो है जमीन में उतर गए, बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा तो अपने स्थान बैठा जा, तेरे लिए यही क्षमा है। फिर जब संकल्प हो गया तब भगवान नारायण ने यही पर अपना प्रयास को बताया, मैं तो ये हूँ। एक पक्ष से स्वर्ग लोग को ढक लिया, दूसरे पक्ष से निकलो को, तीसरे पक्ष को राजा ने कहा रखो कि महाराज मेरे पास कोई स्थान नहीं है, मेरे सिर में रखिए। तीसरे पक्ष से राजा बलि को पाताल पहुँचाया, वही भगवान नारायण है। आप लोगों ने सुना है कि हर वक्त पर कल्पना है, पहले तो देखा है नहीं तो सुना होगा। तो वहाँ पर राजा दक्षिण के यज्ञ किया था, वहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। शंकर भगवान का अपमान होने से वहाँ पर सभी हो गई थी। फिर जब यहाँ पर दोबारा दर्शन शंकर पाद का जो जन्म हुआ, राजा हिमांचल और माता मैना की कुख से सती ने दोबारा जन्म लिया और पर्वतराज के पुत्र होने से पाते नाम पड़े। यहाँ पर गौरी गुफा है, वहाँ पर पार्थिव भैया ने कई वर्षों तक तपस्या की है, क्योंकि शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए। जब शंकर भगवान की प्राप्ति हो गई है तब राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को इस स्थान पर दिया है। उस समय राजा लोगों ने मोर मोती सोना चांदी का दान किया था। आज कलयुग में मोर मोती कहाँ है, मोर मोती का नाम नहीं है। और मोर मोती की जगह ये चावल थाली आती है, यही यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अंदर भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है, और वहीं पर शंकर पार्वती ने भगवान नारायण को साक्षी करके सप्तपति फेरा लगाया है। वही अखंड धोनी जलती है, उस समय वहाँ पर अग्नि नहीं थी, उस भगवान देवताओं की शक्ति द्वारा वो अग्नि जलाई गई है, जिसका नाम धनंजय नाम से कहा जाता है। और वही भस्मी उसमें हमेशा हवन होता है। पहले उस समय देवताओं की शक्ति द्वारा जलती थी, जब कलयुग का समय आ गया तो उस समय देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर लकड़ी चलाना शुरू किया है, तब से ये धोनी लकड़ी द्वारा हमेशा जलाई जाती है, हमेशा इसमें हवन होता है। यहाँ पट बंद नहीं होता है, यहाँ 12 महीना पूजा चलती है। तो वही धोनी की मुख्य प्रसादी भस्मी के तौर में घर में जाती है। बोलो भगवान नारायण की जय। तो हम लोग इसके बारे में जाने, इसके हिस्ट्री के बारे में जाने, अब मंदिर का प्रांगण घुमाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, वो भी दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा शादी भी होता है ना, इसको पकड़ो, दो कैमरा बस मेरे साथ चलते रहना, ठीक है। लो भाई प्लेट दो, हमको कवर करते रहना, बस हम आगे आगे चलते हैं। आ जाओ
बैठ जा बैठो। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे रहो ना, ऐसे रहो। अरे सब आ रहा है भाई, सब बैठो रहो। थोड़ा थोड़ा पुनातो सब लोग एक एक पत्ता फूल हाथ में लेके उल्टा नीचे रखो, जरा गणेश का ध्यान कर, हाँ निकालो थोड़ा। ओम गजानन भूत गणाशितम कपीतजम ओफलदार वक्षणम उमा सम सौपनाशकारकम नमा विघ्नेश सर्पापंगजम सोम कसेक दंता लंबोदर शिद्धो विघ्नाशोगनाथ धोम विघ्नगुणाध्यक्षो बालचंद्र गजाननम द्वादशनामा या परिचिनाभे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्मता संग्रामे शुक्रस्य विघ्नत न जायते ही अपने जलपात में छोड़ दीजिए। सो फाइनली हम लोग का पूजा जो था वो संपन्न हुआ और अभी हम लोग एक परिक्रमा करेंगे और फिर जो है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये गणेश जी का है, ये अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है और यहाँ पे महादेव का मंदिर है। सो अभी अभिनव कुमार के नाम से 100 रुपये का रसीद कटाए हैं। यहाँ भोग जो लगता है त्रिगुण नारायण जी का उसका, और ये प्रसाद है। और वैसे हम लोग अभी दर्शन कर लिए अंदर में। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब एक होता है ना कि मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो पंडित जी आ गए हैं, हम लोग को भस्म देने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ सारा देवी देवता जो है वो विराजमान है, देख सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में कुछ कुछ डिटेल जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ अगर त्रियोगी नारायण टेम्पल का अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो फाइनली हम लोग का पूजा अर्चना हो गया, पंडित जी पूजा कराए थे जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी डिटेल बताए थे। और ये पीछे में मंदिर है, यही इसी मंदिर में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी मंदिर में गर्भगृह भी था जहाँ हम लोग दर्शन किए हैं। वैसे बता दें कि एक अलग वाइब आया और पूजा करने के बाद मन एकदम शांत हो गया। बहुत जोर का भूख लगा हुआ था लेकिन अभी भूख कुछ नहीं है। तो अभी बारिश भी होने वाला है तो हम लोग चलते हैं बाहर निकलते हैं, कुछ खाने का भी सीन देखते हैं। तो हम लोग का पूजा अर्चना हो गया फाइनली और अभी जो है ना वो हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक के पास, बैकपैक करते हैं और मिलते हैं बाइक पर।